हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आप हैं अमित देवांकर व्लॉग्स में। सो होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारे रिसेंट व्लॉग्स। सो आज हम लोग जा रहे हैं नासिक, नासिक जो कि है देवों की नगरी। यहाँ पे कुंभ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ख़ास करके त्र्यंबकेश्वर जो कि एक ज्योतिर्लिंग है उसके लिए फेमस है, और सप्तशृंगीगढ़ जो वणीगढ़ जो यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर्स पे है वहाँ हम जाने वाले हैं दोनों जगह। सो दो दिन की ट्रिप है, होपफुली बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी पवित्र फील करने वाले हैं। सो बने रहिए चैनल पे, बने रहिए इस व्लॉग पे आखिरी तक के, होपफुली यू विल एंजॉय एंड द जर्नी फ्रॉम पुणे टू नासिक। सो बी विद अस टिल द एंड, बाय बाय। तकरीबन सुबह के 7 बज रहे थे और हमने करी हमारी जर्नी चालू। 205 किलोमीटर की जर्नी हमारे घर से थी नासिक के लिए। देखते हैं कैसी रही है जर्नी। अगर आप पुणे से नासिक जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा आप जितना जल्दी हो सके निकले पुणे से, क्योंकि चाकण मोशी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये सुबह काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है और यहाँ ट्रैफिक काफ़ी हो जाता है। अभी आप जैसे देख सकते हैं ये राजगुरु नगर या चाकण के आसपास का एरिया था, और हमें काफ़ी समय लगा इस ट्रैफिक से आगे निकलने के लिए, काफ़ी ये ट्रेलर्स एंड ऑल काफ़ी रहते हैं। सो जितना हो सके जल्दी निकले। ये राजगुरु का घाट आपको पड़ेगा, अगर आपने ये एक बार जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लिया, जो हमने तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास हमने ये क्रॉस किया, सो इससे आप काफ़ी जल्दी नासिक पहुंच सकते हैं और आपकी आगे की जर्नी आप प्लान कर सकते हैं। तो ये टिप्स हैं, ज़रूर इनको अपने पास रखें। पुणे से नासिक जाते वक्त अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, जो कि करना ही पड़ेगा अगर आप सुबह जल्दी निकलेंगे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये आकाश रेस्टोरेंट, जो आपको राजगुरु नगर के घाट के पास सीधे पड़ेगा। आप ज़रूर यहाँ आएँ, आप जो भी नाश्ता, आप डिफरेंट टाइप का नाश्ता यहाँ कर सकते हैं, हर टाइप के नाश्ते हैं, हर टाइप की क्यूजिन अवेलेबल है। सो आप ज़रूर आएँ और नाश्ता करें, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा इसे। सो नाश्ता किया आकाश पे, काफ़ी अच्छा था। मैंने मसाला डोसा लिया था और मम्मी पापा और मेरी वाइफ ने इडली वड़ा सांभर। सो काफ़ी अच्छा था, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ की मिसल भी काफ़ी अच्छी है, और ज़रूर ट्राई करें, बताएं कैसा लगा आपको, अगर आपके रेस्टोरेंट अच्छा है। इसके बगल में पुरोहित भी है रेस्टोरेंट भी, वो भी काफ़ी फेमस है, बट आई गेस उसका ओनर चेंज हो गया है और वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी नहीं थी, तो मैंने ये प्रेफर किया। आप बताएं आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में। नासिक जाते समय आपको ऐसी खूब वादियाँ तो नहीं दिखेंगी, लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे पर्वत आपको आजू बाजू दिखेंगे जो काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने के लिए। और रोड्स मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर रोड्स है, आप आराम से 80-90 की स्पीड मेंटेन करके चल सकते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं रहता। राजगुरु नगर तक आपको काफ़ी ट्रैफिक पड़ेगा, बट उसके बाद स्मूथ रोड है। और ये हम नासिक एंटर करते हुए और चलते हैं, मिलते हैं हमारे होटल में जो कि हम जस्ट एंटर करने वाले हैं आपके साथ। सो चलिए देखते हैं कैसा था होटल। ये हमारा होटल पंचवटी यात्री, आई गेस जो भी नासिक आया है वो इस होटल को जानता होगा, क्योंकि यहाँ की पंगत थाली काफ़ी फेमस है। हम आते हैं उसके बारे में भी थोड़ी देर में, लेकिन पंचवटी यात्री एमजी रोड के पास में है। यहाँ से आपको सारे घाट जो नासिक के फेमस हैं वो पास पड़ेंगे, त्र्यंबकेश्वर ये भी काफ़ी नज़दीक हैं। सो आप ज़रूर यहाँ आएँ, अच्छा होटल है, रीज़नेबल है, अराउंड 1300-1500 के आपको यहाँ पर रूम्स मिल जाएंगे, काफ़ी रीज़नेबल है। सो देखते हैं कैसा था रूम एक्सपीरियंस। रूम एक्सपीरियंस से पहले अगर आप कार से आ रहे हैं या आप टू व्हीलर से भी आ रहे हैं, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्किंग यहाँ की बहुत अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो। दिस इज द टॉयलेट, लेट्स स्टार्ट दिस, क्विट स्मॉल, ठीक है काम चल जाएगा। और ये बेड बहुत बड़ा है, छोटा सा सेट आउट, टी कॉफी, बड़ा सा वार्डरोब, एसी, टीवी, स्मार्ट टीवी है, सैमसंग का है, गुड, ओवरऑल गुड, दो दिन के लिए काफ़ी अच्छी डील है।
सो रूम में फ्रेशन अप होके वक्त हो चला था दोपहर के खाने का। सो हमने रुक किया पंगत थाली का। देख जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी थाली थी और काफ़ी टेस्टी भी है, और इनका सर्विंग करने का भी मुझे सेट काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ट्रेडिशनल है सो काफ़ी अच्छा है। सो आप ज़रूर यहाँ आ सकते हैं, गुजराती राजस्थानी थाली है आपको, दाल बाटी चूरमा, छाछ, पनीर की सब्जी और टिपिकल जो भी चीज़ें रहती हैं, बट काफ़ी टेस्टी है। सो आप ज़रूर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसा लग रहा है आपको। नाश्ता हो गया, खाना हो गया, अब वक्त है सप्तशृंगी के दर्शन करने का। सप्तशृंगी आई, इसके बारे में आपको कुछ तो पता ही होगा, और नहीं पता है तो चलो मैं बताते चलता हूँ। यह एक अर्धशक्ति पीठ है। देवी ने दुर्गा का अवतार लेके महिषासुर का वध किया था, उसके बाद वो यहीं बस गई। सो क्यों ना हम भी आएं और दर्शन करें इस पावन स्थल का। चलिए हमारे साथ सप्तशृंगी मणिगढ़। बीच में जाते वक्त हमें संकट मोचन मंदिर मिला, आप भी इसके दर्शन करिए। और ये हम सप्तशृंगी की ओर बढ़ते हुए, और ये है गढ़ की रोड, अगर आप देख सकते हैं तो इसी ऊंचाई पे हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, और यही टर्न से हम ये कमान को पार करते हुए सप्तशृंगी आई के पास जाते हुए और दर्शन लेने के लिए हम आतुर हैं कि कब जल्दी से जल्दी हम देवी का दर्शन लेंगे। और यहीं हमारे ड्राइवर ने, सो जी हाँ मैंने कैब करी थी हमारे होटल से यहाँ आने के लिए, सो ये ड्राइवर ने बताया कि यही एक काफ़ी स्टीप टर्न कह सकते हैं जो गढ़ का है, जिसे हम देख के आपको क्रॉस करना पड़ेगा अगर आप खुद अपनी गाड़ी लेके आते हैं। सो मैंने यहाँ पे अवॉइड किया अपनी गाड़ी लाना, क्योंकि काफ़ी 200 किलोमीटर की राइड हो चुकी थी, सोचा क्यों ना कैब कर ली जाए और इन्जॉय करते हुए सफ़र को दर्शन लिए जाए देवी के। सो चलिए मिलते हैं सप्तशृंगी गढ़ पे, तब तक आप इन्जॉय करिए थोड़ा सा घाट रीजन। सो मंदिर में जाने से पहले मैं कुछ एक दो चीज़ें आपको बताता चलूँ। सो होटल पंचवटी यात्री, जो कि ऑलमोस्ट नासिक के सेंटर में है, वहाँ से सप्तशृंगीगढ़ आपको तकरीबन 70 किलोमीटर दूर होगा, और आप कैब लेके भी आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, मुझे इतना कुछ डिफ़िकल्टी घाट लगा नहीं, लेकिन आप आ सकते हैं। सो आप आएँ, ज़रूर आएँ, इंजॉय करें। इसके बारे में काफ़ी सुना है कि ये मानसून में बहुत सुंदर होता है, सो अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं और मानसून में आ सकते हैं या कैब करके आएँ तो ज़रूर इंजॉय करें मानसून को। और ये हम आ गए हैं गढ़ की तरफ, और ये सामने रोप वे हैं जो यहाँ से दिखता है, वहाँ से आपको ट्रेनें आते जाते दिखेंगी, फनीकुलर ट्रेन्स, और ये है फनीकुलर ट्रेन का एंट्रेंस। और यहाँ से आप अगर जाएंगे तो आपको टिकट्स सामने जो आपको दिख रहे हैं, टिकट्स की लेन है, वहाँ पे आपको टिकट मिलेंगे। सो फनीकुलर ट्रेन्स हैं जो आपको तकरीबन एक मिनट में मंदिर में पहुँचा देगी, हम भी उसी से जाने वाले हैं। सो ये अगर आप देख सकते हैं, ये उनका एक ट्रैक है जिससे वो ऊपर नीचे आना जाना करती हैं, और एक से दो मिनट की अंतराल में आपको वो मंदिर में पहुँचा देती है। कितना आसान हो गया है ना दोस्तों, तक कई बार आपको इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता था, लेकिन आज ये अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पे वृद्ध लोगों के लिए जो इतनी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद नहीं करते और हो भी नहीं सकता उनसे। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे दिखी मेरे को, और ज़रूर आप आएँ और इसका लाभ उठाएँ। तकरीबन 100 रुपये का टिकट है एडल्ट्स के लिए, और आई गेस 50 रुपये या 90 रुपये का बच्चों के लिए। सो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर, आप अपने
पैरों को धो के और अपने जूते यहाँ पे सबमिट करके आगे जा सकते हैं। और ये रही आपकी ट्रेन जो आपको दिखेगी जाते वक्त ऊपर, सो ये है फनिकुलर ट्रेन। सो ये यहीं से आपको थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, और आप अपने बोगी में आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन जैसे मेरे साथ मेरे मम्मी पापा थे, तो उनके लिए लिफ्ट है, वो पर्टिकुलर लिफ्ट से उस पर्टिकुलर बोगी में जा सकते हैं और वहीं से वो एंटर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के अपनी बोगी में जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं ये राइड को। सो ये है ट्रेन, कुछ इस तरह दिखती है, पूरी वातानुकूलित है, एसी लगे हुए हैं, जैसा मैंने कहा बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। आप आराम से बैठिए और नीचे से नीचे देखते हुए जाइए कि वादियाँ कैसी दिख रही है और एंजॉय करिए सफ़र को। सो देखिए आप भी ये नीचे से कैसा दिखता है जब आप ट्रेन चलती है, तो ये व्यू कैसा दिखता है आप भी देखिए। सप्तशृंगी आयचा उदो उदो, जी हाँ, हम आ गए हैं सप्तशृंगी देवी जी के मंदिर में। आप भी दर्शन लीजिए और इस पावन स्थल में आके भाव विभोर हो जाइए। ये है यहाँ का एक छोटा सा मॉल कह सकते हैं या स्टोर्स कह सकते हैं, मल्टीपल शॉप्स आपको दिखेगी, आप शॉपिंग कर सकते हैं। सो छोटी छोटी गिफ्ट आइटम्स, औरतों के ज्वेलरीज एंड पूजा का सामग्री, ये पेढ़ा, मल्टीपल टाइप्स के आपको पेढ़ा दिखने को मिलेंगे, कलाकंद और ये सब आप ले सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा है, सो सारी सहूलियत की चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और ख़ास तौर पर मुझे जो नीचे एक खास चीज़ दिखी वो है ये सैतूत, जिसे हम मलबेरी भी कहते हैं, जो आप यहाँ आ सकते हैं, खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। घर से आते वक्त मुझे स्वयंभू हनुमान भी दिखे, काफी अच्छे लगे हैं देख के। तो ये है हमारा दूसरा दिन और बढ़ चले हैं हम त्र्यंबकेश्वर की ओर। त्र्यंबकेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हमारा एक कुल देवत भी है। सो हमने सोचा क्यों ना दूसरे दिन की शुरुआत हम यहीं से करें। ये तकरीबन पंचवटी यात्री हमारे होटल से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है और बढ़ चले हम यहाँ इसके दर्शन करने के लिए, और आप भी चलिए हमारे साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में। ऐसे पावन स्थल में आके काफ़ी अच्छा लगता है, आप ज़रूर आएँ। छोटी मोटी चीज़ें लेके इन व्यापारियों को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं और ज़रूर आएँ, कुछ ना कुछ शॉपिंग करें, इन्जॉय करें और मन को शांत महसूस करें। अगर आपकी कोई मन्नत है तो आप वो भी मांग सकते हैं, ज़रूर पूरी होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अगर आपको डायरेक्ट एंट्री चाहिए तो यहाँ पे आपको 200 रुपये का पास लेना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह से आपको 200 रुपये का पास लेना पड़ेगा, जो कि एक तौर पे डोनेशन है मंदिर के लिए, ये अच्छी चीज़ है, जो कि क्योंकि यहाँ पे इसका रखरखाव हो सकता है और काफ़ी अच्छी सहूलियत आगे जाके आपको मिलेगी और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसे मंदिर अच्छे तरीके से देख सकती हैं, इसके लिए इनमें डोनेशन करना भी ज़रूरी है। सो आप ज़रूर आएँ, 10 से 15 मिनट में आपका दर्शन हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा यहाँ आके और आप सच में काफ़ी पावन महसूस करेंगे यहाँ के। सो ज़रूर आएँ, दर्शन करें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में। अब वक्त था पेट पूजा का, तो हम बढ़ चले नासिक की सुप्रसिद्ध श्याम सुंदर मिसल की ओर। काफ़ी टेस्टी मिसल है दोस्तों, अगर आप मुझे इसका रिव्यू पूछेंगे 10 में से कितने दोगे तो मैं 9 ज़रूर दूंगा। बहुत अच्छी मिसल है, काफ़ी टेस्टी है, अगर आप नासिक आएँ तो इसे मिस ना करें। लोग कहेंगे कि आप पहले जैसा टेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप आएंगे तो ज़रूर इन्जॉय करेंगे। अब वक्त था नासिक को एक्सप्लोर करने का। सो उसमें सबसे पहले हमने देखा साक्षी गणपति,
गंगा घाट को जाते वक्त आपको साक्षी गणपति दिखेंगे, ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। सो इनके दर्शन लेते हुए आप आगे आपकी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो चलिए हमारे साथ। इसके बाद आपको भद्रकाली मंदिर मिलेगा, ये भी यहाँ की ग्राम देवी बोली जाती है नासिक की। सो आइए उनके दर्शन भी करते हैं। और हम बढ़ चले गंगा घाट की ओर, और ये है गंगा घाट की ओर जाते समय पड़ने वाली प्राचीन गलियाँ, काफ़ी अच्छी लगती हैं। गंगा घाट के पास में ही आपको सारे मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ के, आप दर्शन ले सकते हैं। अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं, सो आप ज़रूर जाएं वहाँ पे दर्शन लें। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक विशेष सब्जेक्ट या फिर टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगा कि ये गोदावरी की ऐसी अवस्था देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, इसे क्लीन होना चाहिए। इसे गंगा कहा जाता है यहाँ पे, इसलिए इस घाट का नाम भी गंगा घाट है। क्या ये गंगा की तरह पवित्र और आपको शुद्ध दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही है। मेरे साथ आवाज़ उठाइए, क्लीन गोदावरी एज सून एज पॉसिबल। ये है सांड्यावर्ची देवी, और यहाँ से आप कालाराम मंदिर जो कि राम जी का मंदिर है उसके दर्शन लेने के लिए आप जा सकते हैं। सीधे सामने से ही आपको रोड मिलेगी, आप जा सकते हैं कालाराम मंदिर की ओर। और चलिए देखते हैं कैसा था कालाराम मंदिर हमारे साथ। कालाराम मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है दोस्तों, मुझे नासिक का ये सबसे सुंदर मंदिर लगा और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन कैसे क्या जानूँ कैसे आ गया, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जाऊँ ही ना, इतना सुंदर लग रहा था यहाँ पे आके। अगर आप नासिक आएँ तो ज़रूर कालाराम मंदिर में आएँ, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ, क्योंकि आप रियली में आके काफ़ी इन्जॉय करेंगे। ये है सीता गुफा, और यहीं पे सीता जी का निवास था जब वो वनवास में थी और नासिक में रहा करते थे राम सीता और लक्ष्मण जी, और यहीं से आगे उनका अपहरण हुआ था जो कि रावण ने किया था। ये है गोदावरी मंदिर और रामकुंड, जी हाँ यहीं से आपको सारे मंदिर आसपास देखने को मिलेंगे, आप वहां जाके उनके दर्शन ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहां आके। इस वातावरण में विलीन हो जाएं, का थोड़ा बहुत समय व्यतीत करें यहां आके, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और शाम के समय ज़रूर आएं, क्योंकि यही समय मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है इस जगह को देखने का। इस चकाचौंध लाइटिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी वो भी काफ़ी अच्छी लगेंगी। सो ज़रूर आएँ शाम के वक्त, इन्जॉय करें नासिक को। वक्त हो चला था शाम के स्नैक्स का, तो क्यों ना सायंतारा की ओर चले। काफ़ी सुना था इसके बारे में, इनके साबुदाने वड़े के बारे में, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। आप भी देखिए कि कैसा था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, और ये कैसे बनाते हैं वो भी मैंने थोड़ा सा ट्राई किया शूट करने का। सो देखिए, इन्जॉय करिए। इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ अलविदा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बने रहे इसी चैनल में। मिलते हैं जल्द से जल्द ऐसे किसी व्लॉग में आपके साथ। बना रहेगा आपका होस्ट और दोस्त अमित देवभानकर।